आगामी होली त्यौहार को देखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में निगरानी गुंडे बदमाशों को थाने बुलाकर पुलिस द्वारा समझाइश दी जा रही है ताकि होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। होली त्यौहार अब कुछ दिन शेष है, इसको देखते हुए सभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निगरानी गुंडे बदमाशों की धरपकड़ अब पुलिस ने तेज कर दी है। सोमवार को वैशाली नगर थाना प्रभारी ने वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गुंडे बदमाशों को थाने बुलाकर समझाइश दी और कहा कि होली त्यौहार में किसी भी प्रकार से कोई मारपीट, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े जैसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना है, शांतिपूर्ण ढंग से इस होली को त्यौहार को मनाएं। अगर कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता है तो आप पुलिस को बताएं, ना कि खुद उसे मारपीट करें, पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल 27 निगरानी शुदा बदमाश हैं, जिनको बुलाकर पुलिस ने समझाइश तो दी है और अन्य गुंडे बदमाशों पर पुलिस नजर बनाई हुई है। होली त्यौहार के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र के सभी निगरानी और गुंडा बदमाशों को थाना तलब किया गया था। उन लोगों को स्पष्ट रूप से समझाइश दिया गया है कि होली त्यौहार को अच्छे से मनाए, किसी भी तरह का हुड़दंगी ना करें, कोई भी शिकायत ना आने पाए, आने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ के टोटल 27 लोग हैं निगरानी गुंडा में, जिन सभी को तलब किया गया था और समझाइश दिया गया। जी हाँ, ये लगातार कार्रवाई चलते रहेगी। अभी होली त्यौहार के मद्देनजर जगह जगह पर चौक चौराहे पुलिस चप्पे चप्पे तैनात रहेगी, इन हुड़दंगियों पर लगातार नजर रखे हुए। होली त्यौहार के मद्देनजर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए जाएंगे ताकि इस रंगों के त्यौहार में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे और लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस होली का त्यौहार मना सकें। भिलाई से प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।